ओम नमः शिवाय। अब आप देखिए, आज हम आपको पाताल के विशेष दृश्य को दिखाएंगे, क्योंकि श्रावण मास में भगवान इस रूप में रहते हैं इस पाताल के अंदर। अब आप देखिए, हम लोग ये देखो पाताल के अंदर के चले गए, ये हम जा रहे हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय। अब आप देखिए क्या दृश्य अंदर का, क्या नजारा नजर आ रहा है। ये आप देखिए, ये है पाताल का अद्भुत नजारा। देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है, जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए, एक तरफ से अंदरूनी दृश्य, दूसरी तरफ से ये आप देखिए। आपको हम सीधे लिए चलेंगे पाताल के अंतिम छोर तक, आप देखते जाइए हमारे साथ, देखते जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव महादेव, भोले बाबा के। ये आप देखिए कितना अद्भुत नजारा पाताल का। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखिए कितना अद्भुत नजारा पाताल लोक। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप देखिए ये शेषनाथ जी का फन है, इसमें जल आप देखिए, ये पूरे पाताल में। आप देखिए श्रावण मास में भगवान इस तरह स्नान करते हैं पाताल में। आप देखिए ये हम देखते जा रहे हैं, ये देखिए ओम नमः शिवाय। हर महादेव, एक गणेश जी हैं सिर कटे हुए, ऊपर से सहस्त्रधर कमल का फूल है, बगल में केदार बद्री और अमरनाथ जी के शिवलिंग है। यार देखिए काल ग्रह की जीवा है, उसमें जल तबक रहा है। यार देखिए इतना अद्भुत दृश्य बता लोग का, आज पहली बार। हर मास में पाताल के अलग अलग दृश्य नजर आते हैं। ये आप देखिए ये कदलीवन की गुफा है, और यहाँ आप देखिए ये पानी का अद्भुत नजारा। आओ नमः शिवाय, ब्रह्म कपाल है यहाँ। ये आप देखिए एक तरफ से बाहर के दृश्य का आनंद, एक तरफ से अंदर के दृश्य का आनंद। देखिए कितना अद्भुत नजारा पाताल का आज नजर आ रहा है। ये जो आप देखें, ये आप देखिए पूरा पानी पाताल लोक में, ये शंकर जी की जटाएं अविरल धारा इसमें बह रही है। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता नीचे स्नान कर रहे हैं। आज हम आपको लिए चलेंगे पाताल के उस अंतिम छोर तक। ये आप देखिए कैसे पानी का नजारा है, नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। अब आप देखिए ये है मैन भुवनेश्वर महादेव की शक्तिपीठ, इन्हीं के नाम से ये गुफा जानी जाती है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। ओम नमः शिवाय। अब हम यहाँ पर पूजन करेंगे।